एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉक माइल विथ रोहिणी। आप लोग सोच रहे होंगे तैयार व्यार तो दिख रही है, लेकिन ज्वेलरी कहाँ है, है ना? सिर्फ ये एक कड़ा है, ज्वेलरी कहाँ है? आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ टेंपल ज्वेलरीज, जो मैंने लिए हैं अमेज़ॉन से। इतने प्यारे प्यारे बहुत ही सुंदर से नेकलेस सेट्स लिए हैं मैंने, टेंपल ज्वेलरीज लिए हैं अमेज़ॉन से, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, और बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं ये। जैसे कि आप जानते हैं कि वेडिंग टाइम चल रहा है, तो आप पार्टीज अटेंड कर रहे हैं या फिर आप खुद ही ब्राइड हैं, तो एक वेडिंग के कोई भी एक फंक्शन में आप इन टेंपल ज्वेलरीज को पहन सकते हैं। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव ऑल दीज ब्यूटिफुल से नेकलेसेस जो मैंने ढूंढ के लाए हैं अमेज़ॉन ऐप से। आई नो कि आप लोगों को अमेज़ॉन हॉल वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं एक एक डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, प्राइसिंग, क्वालिटी, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और बहुत ढूंढ के लाती हूँ मैं अमेज़ॉन ऐप से आप लोगों के लिए चीज़ें अफोर्डेबल भी रहें और आप लोगों को पसंद भी आए, क्वालिटी भी अच्छी हो। इसी तरीके से अगर आप लोग ऐसे ही टेम्पल ज्वेलरीज देखना चाह रहे हैं और ख़रीदना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और अब हम फटाफट से शुरू करते हैं अपना अमेज़ॉन टेंपल ज्वेलरी हॉल वीडियो। सो अभी मेरे पास में ये बहुत ही अच्छे से पैक होके एक नेकलेस सेट आया है, जिसके ऊपर इस तरीके का बबल रैप किया है, और इसको मैं खोलने वाली हूँ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। आप भी इसी तरीके से खोलिएगा, एक बबल रैप ख़त्म, दूसरा बबल रैप शुरू, फिर से ओके। कितना, और ऊपर से जो बॉक्स है ना, उसको भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने टेप करा हुआ था। ओके, सो ये निकल आया है, तो इस तरीके नेकलेस है और ये इयररिंग्स आए हैं। क्लोज अप लुक्स में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी इसकी क्वालिटी है। तो ये गोल्ड प्लेटेड है पूरा, आप यहाँ पर सेट देख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर लक्ष्मी देवी बनी हुई हैं, क्योंकि ये टेम्पल ज्वेलरी है, तो ज़्यादा करके जो गॉड गॉडेस रहते हैं वो आपके ज्वेलरीज में मिलते हैं। और यहाँ पे आप पर्ल का यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं, जो नेकलेस एरिया में बना हुआ है। साइड बाय साइड मैं इनकी क्वालिटी भी बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये जो पीछे के जो पेच हैं इयररिंग्स के, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इयररिंग्स की, और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ही प्यारे भी दिख रहे हैं। और साथ में अभी नेकलेस डाला जाए, this beautiful jewelry is actually looking very awesome on the neck also. क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ब्रांड इसका जेनरिक है, और एट प्रेजेंट कॉस्ट है इसकी 899 रुपीज़। तो मुझे ये 899 रुपीज़ में एकदम वर्थ लगता है। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस वंस यू गेट इट। प्रोडक्ट लिंक जो है, परचेज लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट नेकलेस सेट, बहुत ही हल्का वेट में है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें क्या आया होगा, देखते हैं एकदम फटाफट से। अगेन बबल रैप प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, अच्छे से आपके पास में आइटम्स आ जाते हैं, तो यही एक खूबी है अमेज़ॉन की कि इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है। दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सो दीज आर द ब्यूटिफुल इयररिंग्स दैट यू गेट इन दिस। अगेन पर्ल डिटेलिंग, और इसमें जो स्टड्स लगे हुए हैं, मल्टी कलर्ड स्टड्स हैं, सो यू कैन वेयर विथ एनी कलर्ड साड़ी और ट्रेडिशनल वेयर। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है अगेन ब्यूटिफुल सा नेकलेस सेट, पेंडेंट भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। जो नेकलेस पेंडेंट है उसके ऊपर आप देखिए तो पीकॉक वर्क किया हुआ है, अगेन गोल्ड पॉलिश में है, इसमें भी मल्टी कलर्ड स्टोन्स लगे हुए हैं। क्वालिटी मैं बोलूँगी ओके ओके है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक ही क्वालिटी है, और लेकिन हाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ऐसे टूट जाएगा, इनफैक्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इयररिंग्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत ही प्यारे से इसमें पर्ल फिनिश भी किया हुआ है, एंड दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट कूल। थोड़े से नॉर्मल अप ड्रेसिंग के ऊपर भी आप इस टाइप के नेकलेस पहन सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट नेकलेस सेट, ये एक इस तरीके के बॉक्स में, इनफैक्ट सभी बॉक्स में ही आए हुए हैं। सो आई एम तो सुप्रीमली इम्प्रेस्ड विद दिस ब्यूटिफुल नेकलेस सेट। यहाँ पे इस तरीके की झुमकियाँ आ जाती हैं, इसके साथ में जो आपको नेकलेस मिलता है ये चोकर स्टाइल में है,
आप देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छे से आपके नेक पे ये सेट भी हो जाता है। इसके ऊपर की डिटेलिंग देखेंगे तो आपको दिखेंगे लक्ष्मी माता बनी हुई है, हाथी है, पीकॉक है और कमल है, गणपति हैं। तो बहुत ही प्यारा, मतलब ऑल इन वन टेम्पल लुक है ये, बहुत खूबसूरत दिखता है। और इसका जो गोल्ड फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर आप देख सकते हैं तो रेड या मरूनिश टाइप का जो कुंदन वर्क भी किया हुआ है अलॉन्ग विद द पर्ल वर्क ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड येलो शाइन्स। ये भी बहुत ही प्यारा सा टेम्पल ज्वेलरी मैंने देखा था ऑनलाइन, लेकिन सैडली ये अभी अवेलेबल नहीं है साइट पे। अगर आपको ये वाला नेकलेस पसंद आता है तो विश लिस्ट में डाल के रखिए, जैसे ही ये आएगा यानी कि अवेलेबल होगा तो आप परचेज कर सकेंगे। बॉक्स होल्ड के साथ एक थैंक यू कार्ड भी आता है और मुझे ऐसा लगता है इनकी टीम का पूरा फोटोग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ सो गुड, सो नाइस। मीट आवर फैमिली, वी ऑल हैव वर्कड रियली हार्ड टू ब्रिंग योर ज्वेलरी सेफली टू यू। हाँ, सेफली तो पहुँच गया है आप लोगों का ज्वेलरी एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। इसी के साथ में एक रिटर्न पॉलिसी वॉइड इफ सील ब्रोकन। ओके, सो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर ये ब्रेक हुआ है तो रिटर्न जो होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ज्वेलरी है, देवी दुर्गा बनी हुई हैं और बहुत ही प्यारा सा ये छुई मुई सा नेकलेस सेट मैं बोलूँगी, क्योंकि बहुत हैवी नहीं है जो मैंने अभी दिखाए हैं एक्सेप्ट फॉर दैट पर्ल टेम्पल ज्वेलरी। ये बहुत ही प्यारा सा है, इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ। और इसके जो इयररिंग्स हैं ना वो मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो मैं उनको भी आपके सामने दिखाती हूँ। हियर इट गोज, देखिए कितनी खूबसूरत सी ज्वेलरी है, क्यूट सी, टाइनी सी और प्यारी भी दिख रही है, इजंट इट। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे नीचे आप बीड्स देख सकते हैं गोल्डन कलर के, और इसके ऊपर जो वर्क है गोल्ड और उसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर के नग लगे हुए हैं। जो पीछे की जो ये धागे वाली क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी स्टर्डी दी हुई है। सो इसका जो प्राइस था जिसमें मैंने लिया था वो है 699 रुपीज़, और अभी क्योंकि अनअवेलेबल है, जब अवेलेबल हो जाएगा क्या कॉस्ट रहेगी आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू राइट नाउ, लेकिन 699 से थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहेगा। नेक्स्ट कमिंग फ्रॉम द प्योरा ब्रांड, ये एक सिल्वर फैशन ज्वेलरी ब्रांड है और ये भी बहुत ही अच्छे से बबल रैप में होके आया है। आप लोगों को मैं साथ में इसके ना पैकेजिंग भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल सके कि पैकेजिंग भी कैसे हो रही है, क्योंकि जो ज्वेलरी रहती है ना वो बहुत डेलिकेट आइटम रहता है, तो आप लोगों तक जब पहुंच रहा है तो कैसा है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये आपको एक्चुअली समझ में आता है। तो अगेन बबल रैप है, लेकिन सिर्फ फ्रंट में ही इस तरीके से बबल रैप इसके मतलब ऐसे ही रखा हुआ था, पीछे ऐसे ही ये खुला हुआ था। और जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेट मी शो यू, फर्स्ट आई विल ओपन इट एंड देन आई विल शो यू। सो दीज आर द ब्यूटिफुल से इयररिंग्स गाइज, ये भी एक अलग से पैकेट में आए हुए हैं। इनफैक्ट सभी जो इयररिंग्स रहते हैं ना वो अलग पैकेट में ही आते हैं। और उसके बाद में ये इतना ब्यूटिफुल, ओके सो इसमें थोड़ी सी ये जो ज्वेलरी है ना ये यहाँ पे थोड़ी सी निकली हुई सी है, जो इसके नग हैं एक जो स्ट्रैंड है वो निकला हुआ है। लेट मी सी इफ़ आई कैन फिक्स इट बिकॉज आई एम जस्ट लविंग दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ऊपर की तरफ देखिएगा तो ये एक रेड कलर की ऐसे क्रिस्टल टाइप का एक लड़ है, फिर नीचे एलिफेंट्स बने हुए हैं, और फिर एक ऐसे ना पिलर टाइप, छोटे छोटे पिलर टाइप के ऊपर जैसे एलिफेंट्स बैठे हुए हैं या खड़े हैं इस तरीके से। और साथ में ही जो उसके नीचे जो लटकन दिए हुए हैं उसके बाद में वो रेड ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में लटकन दिए हुए हैं। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग। इसका जो प्राइस जिसमें मैंने लिया था वो 849 रुपीज़ है, और जो मैंने लिंक अभी आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो डिज़ाइन है वो अब नहीं मिलेगा। अब कोई और डिज़ाइन दिख रहा है क्योंकि साइट में, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉबेबली मुझे यही लग रहा है क्योंकि अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, तो उन्होंने उनके ही कंपनी का इसी टाइप का टेम्पल ज्वेलरी का एक दूसरा फोटो उसमें लगा दिया है। सो एनीवेज, अगर आपको पसंद आता है ये वाला नेकलेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, हो सकता है कि स्टॉक अवेलेबल हो जाए तो आप लोगों को वो यानी कि ये वाला नेकलेस मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज आई थिंक 849 रुपीज़ इज़ वर्थ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा जो पिलर इफेक्ट है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही डेफिनेशन देगा आपके इस चोकर नेकलाइन को।
सो ईयरिंग्स कुछ इस तरीके से हैं और दिस लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइस, आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, अगेन पिलर और एलिफेंट, और ऊपर इस तरीके से एक फूल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में वारंटी कार्ड आता है, 1 ईयर की वारंटी है स्टर्लिंग सिल्वर आइटम्स पे, और फैशन आइटम्स पे 6 मंथ्स की वारंटी है, और अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे। सो यस, ज्वेलरी केयर के भी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है। कमिंग टू द सेकंड लास्ट टेंपल ज्वेलरी, और ये है मातोश्री ब्रांड से, एक इस तरीके प्लास्टिक बॉक्स में आया हुआ है, बबल रैप दिया हुआ है। लुक एट दिस, इजंट इट, ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटिफुल नेकलेस, दिस इज़ एन ऑसम पीस गाइज। और मैं आपको प्राइसेस की बताऊँगी बाद में, पर इसकी क्वालिटी और जो गोल्ड फिनिश है जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत एकदम ही अल्टीरियर गोल्ड नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग सो ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा है। और इसके ऊपर अगेन गॉडेस लक्ष्मी और पीकॉक बने हुए हैं, लोटस साइन है, और ऐसे क्वरीज बने हुए हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल सा पेंडेंट, एंड इट इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मैं बोलूँगी। वेट इसका एकदम अप्रोप्रिएट है, और जो ये पीछे स्ट्रिंग दी हुई है, अगेन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, साथ में 2 ईयरिंग्स तो आती हैं, अगेन विद गॉडेस लक्ष्मी, और नीचे झुमकी पैटर्न दिया हुआ है, साथ में इसमें इस तरीके का मांग टीका भी दिया हुआ है, एंड विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तीन तीन लक्ष्मी एक साथ है अलॉन्ग विद दैट नेकलेस, सो इट बिकम्स 4। और इसका जो कॉस्ट है, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द कॉस्ट, 495 रुपीज़। ओके, सो 495 नहीं है, 459 है इसकी कॉस्ट। अगर मैं बोलूँगी 495 मतलब बिलो 500 रुपीज़ में आपको ये अगर सेट मिल जाता है ना, आई मस्ट टेल यू कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड सीरियसली आई लव्ड इट। मातोश्री का मैंने और भी ज्वेलरी लिए हुए हैं, एंड आई हैव टोटली लव्ड दोज ज्वेलरी। और इनकी जो यूनिकनेस रहती है ना, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, और डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और एक पैटर्न है पहले भी जो लिया था सेट, वो भी एक टाइप का गोल्ड फिनिश था, या मेरे ख्याल से मुझे वो पसंद आ रहे हैं, या फिर वो ही ऐसे ही मैनुफैक्चर करते हैं, आई डोंट नो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला एक नेकलेस सेट है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे बड़े पैकेजिंग में आया है, जो कि है ये इतना बड़ा सा प्लास्टिक बॉक्स। तो यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत ये सेट ही दिख रहा है, गोल्ड फिनिश में है, बहुत ही प्यारा है, क्वरीज और पीकॉक्स बने हुए हैं, और जो इस पे नग वर्क किया हुआ है वो है रेड स्टोन वाला। इयररिंग्स कुछ इस तरीके से हैं, विच आर लुकिंग क्यूट, और ना घंटी टाइप इसमें आवाज़ भी आ रही है, नीचे पर्ल फिनिश है, और इसको जब हम ऐसे हिलाते हैं ना तो ऐसे घंटी टाइप आ रही है आवाज़, माइक के पास रखते हैं, सो यू कैन गेट दैट फील ऑफ घंटी, राइट, बेल जो टेम्पल में रहता है। इट्स सो क्यूट एंड थॉटफुल, बहुत ही बढ़िया है, आई एम जस्ट लविंग इट। और अब मैं इसकी कॉस्ट बताती हूँ आपको, जस्ट इमेजिन, टाइप करो, आपको कुछ ऐसे आइडिया आ रही है कि कितने का होगा ये? ओके, लेट मी टेल यू, इट्स जस्ट 345 रुपीज़, प्रेजेंट कॉस्ट बता रही हूँ, इट्स जस्ट 345 रुपीज़। सो ब्यूटिफुल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और अच्छा खासा लंबा है, यानी कि आप एक ऊपर चोकर डाल सकते हैं और नीचे ये लंबा सा नेकलेस डाल सकते हैं। आई एम टोटली लविंग दिस। सो नाउ दैट आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल टेम्पल ज्वेलरी, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वेडिंग नाउ, कोई तो शादी कर लो। ओके, एनीवेज आई एम जस्ट लविंग ऑल दीज ज्वेलरी सेट्स। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेजेस लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप परचेजेस कर सकते हैं, और कोई भी वेडिंग है तो वहाँ पे आप इन ब्यूटीफुल से ज्वेलरीज को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसे ही वीडियोज़ और भी आने वाले हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है ना। तो अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।